एकदम कुरकुरी और सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हमारी बिस्किट गर्मा गर्म बनकर तैयार हो चुकी है। आइए आप लोगों को तोड़कर दिखाते हैं। ये देखिए, बिल्कुल खाते ही मुंह में घुल जाने वाली बिस्किट हमारी बनी हुई है बहुत ही आसान तरीके से। नमस्कार दोस्तों, रंजना वेज फूड चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से एक अच्छी सी रेसिपी बनाने वाली हूँ दोस्तों, जो कि रेसिपी में बनाने वाली हूँ आटा के मतलब गेहूं के आटे की बिस्किट बनाने वाली हूँ। तो चलिए अपना बिस्किट बनाना हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं अपने चूल्हे के पास मैं आ चुकी हूँ, और आइए आप लोग को दिखा देते हूँ हमने सामग्री क्या क्या लिया हुआ है। ये हमने लिया हुआ है एक बड़ी कटोरी गेहूँ का आटा, और ये है सफ़ेद तिल, और ये है इलायची पाउडर, चीनी, और ये है कच्चा दूध हमने लिया हुआ है, और ये बादाम है, सूजी है एक कटोरी, ये है नारियल का बुरादा, काजू। तो इतना सारा सामग्री हमने लिया हुआ है। इधर हमने लिया हुआ है भगोना। अब इस भगोना में मैं गेहूं का आटा डालूंगी। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं जिसमें आप लोग आटा सानते हो। इसमें जो दूसरा चीज़ डालूंगी वो है सूजी, तो सूजी को भी मैं इसमें मिला देती हूँ। और अब इसमें डालती हूँ नारियल का बुरादा, ये सफ़ेद तिली, और इसमें ये हमने जो काजू को कट किया था इसको भी डाल दूंगी, बादाम इसको भी हमने बारीक कट कर दिया था, और ये है इलायची पाउडर। तो ये सब सामग्री को हमने अच्छी तरह से मिला दिया है, और इसको इसमें थोड़ा सा भी हम रिफाइंड का तेल डालेंगे। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ तेल, रिफाइंड का तेल। आप लोग चाहे तो देसी घी भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें अब मैं ये जो हमने दूध लिया हुआ था आप लोग देख सकते हैं, दूध में अब मैं चीनी को मिला दूंगी। तो चीनी मिलाने के बाद इसको थोड़ा अच्छी तरह से मैं चला दूंगी। ये देखिए, तो इसको मिला करके मैं अच्छी तरह सब सामग्री को अच्छी तरह से मिलाऊंगी। सारी सामग्री हमारी अच्छी तरह से मिल जाए। तो इसको मैं अपने हाथों से मोवा कर दूंगी। इसमें हमने रिफाइन का तेल डाला हुआ है, आप लोग चाहें तो देसी घी। तो सभी सामग्री को हमने अच्छी तरह से मिला दिया है, आप लोग देख सकते हैं, और हमने मोवा भी बहुत अच्छी से कर दिया है। ये देखिए, लड्डू की तरह बिल्कुल बन रहा है। तो अब मैं इसमें जो हमने दूध में चीनी को मिलाकर रखा हुआ था इसको डालूंगी। तो चीनी को हमने ज़्यादा गलाया नहीं है, और भी चीनी बाकी खड़ी खड़ी सी है। तो अब मैं इसमें डालूंगी, डालने के बाद अब मैं इसको हाथ से मिलाऊंगी अच्छी तरह से। तो इसी तरह से मैं थोड़ा थोड़ा चीनी को इसमें डाल करके इसे मिलाती जाऊंगी हाथ से। तो आटा हमारा बहुत ही अच्छी तरह से, इसको हमने बहुत ही अच्छी तरह से गूंथ लिया है। ये देखिए, तो बहुत ही अच्छी तरह से ये तैयार हो चुका है गूंथ कर। रुकिए, आप लोग को मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। हमारी आग बहुत अच्छे से जल चुकी है, और अब मैं चूल्हा पर रख देती हूँ कढ़ाई। हमारी गर्म हो चुकी है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ तेल। तो तेल उधर हमारा गर्म हो रहा है, तब तक मैं चल रही हूँ बिस्किट बनाने। तो मैं अब चल रही हूँ बनाने बिस्किट। तो बिस्किट बनाने के लिए हमने यह लोई लिया हुआ है छोटा सा, तो इसको अभी मैं बेलन से बेलूंगी इस तरह से। हमने ज़्यादा पतला नहीं बेला है, मोटा ही रखा है। अब इसको मैं कट करूंगी चाकू से इस तरह से। तो इसको अभी मैं चाकू से निकालूंगी। ये देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन बनाऊंगी।
ये देखिए ऐसे, ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से अब मैं सभी बिस्किट को बनाऊंगी। रुकिए आप लोग को दिखाते हूँ निकाल कर। ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो एक तरह का सेब आपने लोगों ने देख लिया है कि बिस्किट हमने किस तरह से बनाया है। और आइए आप लोग को दूसरा दिखाती हूँ कि किस तरह से हम बनाएंगे। तो इस तरह से हमने बेल लिया है, और आप ऐसा कोई नुकीला चीज़ ले सकते हैं जिससे गोला हो और ये आसानी से कट सके। तो मैं इसे कट करूँगी अभी। ये देखिए बहुत ही आसानी से कट गया। तो जो बगल में है उसको मैं हटा लूँगी, और इसको अभी आप लोगों को चाकू से निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छे से निकल गया है। तो अब इस तरफ इसके भी ऊपर मैं थोड़ा डिज़ाइन बना देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल उसी तरह से। ये देखिए बिल्कुल इस तरह का सेब बना हुआ है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। ये देखिए तो इसी तरह से अब मैं चल रही हूँ सभी बिस्कुट को बनाने। इसको एक प्लेट में रख देती हूँ। ये देखिए हमने इतना सारा उस टाइप का बनाया हुआ है, इस टाइप का एक बनाया हुआ है। बिस्कुट हमारी बहुत ही अच्छी तरह से बनकर तैयार है, आप लोग देख ही सकते हैं। ये देखिए सभी बिस्किट को हमने इस तरह से बना लिया है। तो अब मैं चल रही हूँ इसको तेल में छानूंगी। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं तेल के अंदर डालूंगी बिस्किट को। तो बिस्किट हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ दो बिस्किट डालकर हम इसको तेल में छानेंगे। अब मैं इसको पलट दूंगी। कलर आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए वाह कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा कलर आया हुआ है। हमारा बिस्किट बहुत ही अच्छी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए बहुत ही अच्छे लग रहे हैं दोनों। तो इनको अभी मैं निकाल लेती हूँ तेल से बाहर, और इसको अभी रख देती हूँ थाली में। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। मैं दूसरी बार भी बिस्किट को डाल देती हूँ कढ़ाई में तेल के अंदर, और इसको भी अच्छी तरह से छान लूँगी। तो इसी तरह से मैं सभी बिस्किट को बनाऊंगी। तो इसी तरह मैं कलछुल से पलट दूंगी बिस्किट को, ताकि दोनों तरफ अच्छी तरह से पक जाए। और आग को हम ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे, धीमी आंच में ही हमको पकाना है। तो ये तीनों बिस्किट भी हमारी अच्छी तरह से पक चुकी हैं। ये देखिए इसको मैं निकाल करके थाली में रख दूँगी। तो सभी बिस्किट हमारी बन चुकी है, ये लास्ट वाली बची है। तो इनको भी मैं कढ़ाई के अंदर डाल दूंगी तेल में। आप लोग देख सकते हैं सभी हमारी बिस्किट बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो ये लास्ट वाली बची है, और बिस्किट हमारी बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है इसमें। ये देखिए बहुत ही अच्छे से पक चुका है। तो इसको भी मैं निकाल लूंगी, इसको निकाल करके थाली में रख लूंगी। एकदम कुरकुरी और सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हमारी बिस्किट गर्मा गर्म बनकर तैयार हो चुकी है। आइए आप लोगों को तोड़कर दिखाते हैं। ये देखिए बिल्कुल खाते ही मुंह में घुल जाने वाली बिस्किट हमारी बनी हुई है। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको बनाया हुआ है। हमारी रेसिपी थी गेहूं के आटे की बिस्किट, और गेहूं के आटे की बिस्किट हमारी बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। ये आप लोग देख ही सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। इसको बच्चे लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा खाते भी हैं, और बड़े लोग भी खा सकते हैं। आपके घर पे अगर रिश्तेदार वगैरह कोई भी आ जाता है तो उनको आप लोग खाने के लिए दे सकते हैं। कोई बता ही नहीं सकता कि ये घर पर ही बनाया गया है और गेहूं से बना हुआ है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट और नरम है। जो रेसिपी थी दोस्तों, इसको आप लोग घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आज की हमारी जो रेसिपी थी वो थी गेहूं के आटे से बिस्किट। तो गेहूं के आटे की बिस्किट हमारी कैसी बनी है, आशा करती हूं कि आज की हमारी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, और दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारी रेसिपी कैसी बनी थी।
तो आप लोगों ने हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में एक अच्छी और नई और टेस्टी रेसिपी संग। तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार।